नमस्कार। भागदौड़ भरी दुनिया में आप रह जाते हैं अपनी खबरों से दूर। आरपी की दौड़ में छिप जाती है आपके काम की खबर। ब्रेकिंग न्यूज में गायब हो जाती है मुद्दे की खबर। बात देश की राजनीति की हो या बढ़ते अपराध की, हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, क्योंकि हर खबर से जुड़ा है आपका सरोकार। इसलिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। सिवान में राजद नेताओं ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गलत नीतियों के विरोध में सिवान को पूरी तरह बंद कराने में जुट गए हैं। राजद के पूर्व काबीना मंत्री अवध बिहारी चौधरी समेत राजद के विधायक समेत राजद के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। बंद को सफल बनाने के लिए घूम घूम कर बंद कराने में जुट गए। वहीं सिवान के JP चौक, बबुनिया मोड़, अस्पताल मोड़, तरवार मोड़ को राजद कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तरह जाम कर दिया गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। नीतीश सरकार मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए गए। गौरतलब है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के आह्वान पर पूरे बिहार को बंद करने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर सिवान के राजद कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह बंदी को सफल बनाने में जुट गए। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू जी प्रसाद के द्वारा आह्वान किया गया कि बिहार में जो बालू और गिट्टी माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो बेचने से प्रतिबंध लगा दिया गया, यहाँ मजदूर, किसान, मिस्त्री तमाम लोग आज खाने के लिए भूख पे लाले उनके पड़ गए हैं। बिहार में भुखमरी का कगार आ गया है। इस सवाल पर हमारी पार्टी शहरों में जो है किरासन तेल नहीं मिल रहा है, इस सवाल पर आज बंदी किया गया है। इसके इतर दूसरी तरफ सिवान प्रखंड के हुसैनगंज में महिलाओं को राशन कार्ड बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राशन कार्ड बनाने के लिए महिलाएं 5 बजे सुबह से लाइन लगाना शुरू कर दे रही हैं और मुख्यालय पर राशन कार्ड बनाने के लिए सिर्फ एक ही खिड़की बनी है, जो सुबह 10 बजे के बाद खुलती है और 4 बजे राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया ख़त्म हो जा रही है। इसके कारण पंचायत से आई महिलाओं को पूरा दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी कुछ महिलाओं को शाम को बिना राशन कार्ड बनवाए ही घर वापस जाना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि हम लोग सुबह से शाम तक पूरे दिन लाइन में खड़े रहते हैं, फिर भी राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। साथ ही कहना है कि अगर खिड़की की संख्या बढ़ा दी जाए तो इस समस्या का कुछ समाधान निकल जाए। कुछ महिलाओं के यह भी आरोप हैं कि कुछ लोगों का पैसा लेकर भी काम किया जा रहा है, जो पैसा देता है उसका काम पहले हो जा रहा है, बाकी लोग पीछे लाइन में खड़े रहते हैं, जिसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगी है, कितने बजे से हैं? 5 बजे से। अच्छा, काउंटर कितने बजे खुलता है? 10 बजे। और फिर उसके बाद क्या होता है? हम इतना 150 के पीछे लगे हैं लाइन में, फिर पीछे से पैसा दे दे के जल्दी जल्दी काम हो रहा है। 80-90 आदमी के पीछे। कितने बजे यहाँ काउंटर खुलता है? 11 बजे। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपको? हाँ, बहुत। 11 बजे यहाँ पर खुलता है, हम लोग काम करके नहीं आए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ खुलने के बाद भी बहुत, मतलब कि आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है? हाँ। क्या हम तो बहुत पीछे है, कोई आदमी हम लोग का बातें नहीं सुनता है।